तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। सो गाइज, अभी का सीन ये है कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली थी कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो गाइज, बात ऐसी है कि उसके घर से एक बार भी ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना कोई मेरा कॉल पिक कर रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से, आप लोगों से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप लोगों ने मुझे यही समझाया। मैंने बहुत सारे लोगों के देखे मैसेजेस, बाकी तो सबके कॉमेंट्स पढ़ता ही हूँ आप लोग जितने भी हैं। तो भाई देखो, आप लोगों ने बोला है घर जाकर सीधा फेस टू फेस बात करने के लिए, और कितने लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि छोड़ दो अभी इसको, अपनी लाइफ जीने दो, अब वो जो कर रही है उसे करने दो। तो यार देखो, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे भी तो पता होना चाहिए कि बंदा ठीक है कि नहीं। तो बस इस वजह से मैं जा रहा हूँ वहाँ जाकर। अब देखो क्या बात होती है, क्या होनी होता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज जा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी रहेगा आप लोगों को अपडेट दूंगा, ठीक है। और बाकी यार आप लोग कमेंट कर देना कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना। मेरे साथ भाई मैं देखने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये मेरे साथ रहे या फिर कुछ भी है, डिसाइड उनके ऊपर है, जो भी वो बोलेंगे वो करेंगे। एंड जो भी रहेगा आपको दिखा दूँगा और बता दूँगा। तो चलो मैं फटाफट से यहाँ से रेडी हो जाता हूँ और फिर निकलते हैं, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं निकल तो गया था और बस थोड़ी दूर का और रास्ता फिर मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैंने सोचा पहले आपको अपडेट दे दूँ, ठीक है। तो गाइज यार, बस एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसकी फैमिली मतलब चाह क्या रही है, क्योंकि यार ना कॉल रिस्पांस ना, अब तो उसके घर वालों को भी मैंने कॉल करके देख लिया कि उसके घर में मम्मी या कोई भी फ़ोन उठा ले, लेकिन फ़ोन कोई भी उठा नहीं रहा है। और उसका तो फ़ोन ही नहीं लग रहा भाई, किंजल का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है कि करूँ क्या, लेकिन जो भी है, अभी देखो यहाँ से बस 5-6 मिनट का और रास्ता है, ठीक है। ये पूरा मतलब यहाँ से अभी सीधा जाके मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता ही है बस। तो जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। और पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं, मुझे तो बस उससे नॉर्मली मिलना है। भाई आपको अगर मेरे साथ नहीं रखना है रिश्ता तो मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन यार इतने टाइम से हम केयर कर रहे थे तो उस चीज़ का तो कुछ रखो यार। मतलब समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जो लोग मेरे को बहुत टाइम स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे बात को। बाकी चलो अभी मैं पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइज, अभी का सीन ये है, मैं मतलब आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी का सीन गाइज ये है कि किंजल के घर से रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि मैंने इतने सारे कॉल कर दिए कल से लेकर अभी तक। और मेरे पास ना, सच बता रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वरना मैं अभी आपको दिखाता सुनाता। अभी मेरे पास अभी अपना आईफोन रखा है, तो अभी मेरा दूसरा फ़ोन नहीं है, मैं उस फ़ोन से ज़्यादातर बात करता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह रखने के लिए। सो गाइज, उसकी मम्मी ने यार मना कर दिया, सीधा बोला कि हमारे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जितना आपसे हुआ आपने करा, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, और अब से हमारी बेटी हमारे पास रहेगी, किसी के पास हम उसे नहीं भेजने वाले। और अगर तुम कभी मिलना भी आ रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि मत आना, क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब बताओ मैं क्या करूँ इस चीज़ पे, इस चीज़ का मैं क्या करूँ बताओ यार, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सो गाइस, अब आप ही लोग बताओ कि मैं क्या करूँ यार, इतना कुछ करा है, मतलब वो सब गया तेल लेने यार, इतनी समझ नहीं आ रही है कि भाई आदत हो जाती है किसी बंदे को साथ रहने की, मतलब इतनी थिंकिंग नहीं आ रही है, इतना नहीं सोच रहे हैं। मैं तो मेरा मतलब मुझे नहीं लगता कि, एक तो यार उन लोगों ने ना बोला है सीधा कि अब जहाँ पर वो लोग थे वहाँ से हट गए हैं, तो मेरा कोई फ़ायदा तो है नहीं जाने का। अब क्या फ़ायदा, मैं जाके क्या कर लूँगा, और ना किंजल से मेरे से बात करने दे रहे हैं। तो अब बस ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं अभी इस टाइम करूँ क्या। मैं जा रहा हूँ गाइस सीधा घर पे, और घर वालों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो जो भी बोलेंगे वही होगा। बाकी बस अभी मुझे कुछ बात नहीं करनी।